नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज एंड डालते हैं ताजा खबरों को फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार हर घर पानी दिलवाने की बात कहती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर बेबीतरा के नवागढ़ इलाके के घठोली गाँव के लोग पानी को तरस रहे हैं। यहाँ गाँव के लोग 3 से 4 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके मच जाते हैं पानी लेने। आलम ये हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल छोड़ के पानी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये गांव सरकार की ओर से भी सभी योजनाओं से आज भी वंचित हैं। गांव की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का वाटर लेवल डाउन होने की वजह से यहाँ पानी की समस्या बनी रहती है, जिसको लेकर कलेक्टर, सांसद, विधायक और मंत्रियों से भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और समस्या का समाधान नहीं होने पर चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। मैं ग्राम घठोली के भोजेश्वरी टंडन हराऊ मोला पानी की समस्या हमारे गाँव में बहुत ज्यादा है। पानी की समस्या लेके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से हम पानी लावा थन। छोटे छोटे बच्चा पानी लावा थे, बुजुर्ग सियान मन पानी लावा थे, रास्ता भी खराब हो गए है, ओकर वजह से सियान मन गिर जाते है, लड़का मन गिर जाते है, तब ओकर कोई सुनाई नहीं है। हाँ माला पानी की समस्या है, 15-20 साल हो गए। देखिए, जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम घटोली में नल जल योजना बनाई गई थी, जिसकी कुल लागत लगभग 59 लाख रुपए की थी। उसके अंतर्गत टंकी निर्माण, FHTC निर्माण ये सब किया गया था। पूर्व में जब घटोली ग्राम पंचायत में पानी नहीं था तो 1.5 किलोमीटर दूर भोथीडी में नलकूप खनन कराया गया था। नर्मदापुरम की पिपरिया पंचायत पहुंचकर कलेक्टर ने जल जीवन मिशन व नल जल योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के सभी संबंधित अधिकारियों से समीक्षा बैठक की जानकारी ली और रुके हुए कार्यों को जल्द ही पूरा करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इस बैठक में जिला पंचायत CEO, SDM, तहसीलदार समेत ग्राम पंचायत अधिकारी और सभी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। आगे उन्होंने बताया कि घर तक जल पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यशैली बनाकर कार्य करना होगा, जिससे कि जल्द काम पूरा हो सके। मिशन के अंतर्गत जो कार्य चल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक कार्य इन गर्मियों में पूर्ण हो सके, इसके लिए बैठक ली गई थी। उसमें सभी सरपंचों को यहाँ पे कार्य 50% बुलाया गया था, ठेकेदारों को बुलाया गया था, पंचायत के स्टाफ को और PHE के पूरे अधिकारी को बुलाया गया। डिंडौरी के शाहपुर थाना क्षेत्र में डिपो के पास स्टोन क्रेशर से धड़ल्ले से ब्लास्टिंग का काम जारी है। वहीं पूरे खेल में पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि अगर अनुमति लेकर ब्लास्टिंग की जा रही होती तो प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा होता है। आपको बता दें कि यहाँ दिन रात ब्लास्टिंग कर अवैध कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उत्तर विधानसभा कांग्रेस युवा अध्यक्ष पलाश मल्होत्रा की ओर से जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस खास मौके पर पलाश मल्होत्रा ने बताया कि हम लोग पिछले 4 सालों से महावीर जयंती पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। रायपुर में हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर सर्वधर्म हनुमान मंदिर में महाआरती और भंडारे का आयोजन किया गया, जहां BJP और कांग्रेस के नेता भी महाआरती में भाग लेते हुए दिखाई दिए। सर्वधर्म हनुमान मंदिर के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने बताया कि भंडारे में 30,000 से ज्यादा 40,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में BJP नेता केदार कश्यप ने कौन है प्रियंका गांधी के बयान पर कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने पलटवार करते हुए उनके बयान को बेहुदा बताया है। विधायक रेखचंद्र ने कहा कि केदार कश्यप हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। आखिर उन्होंने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि BJP अपने पहले गिरेबान में झांक कर देख ले उन्होंने 15 सालों में क्या किया है। गौरतलब है कि आगामी 12 अप्रैल को प्रियंका गांधी जगदलपुर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जांजगीर चांपा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के मौजूदगी में EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने EVM और VVPAT मशीनों के बॉक्स को खुलवाकर अवलोकन किया, साथ ही EVM संबंधित जानकारी ली। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी को पानी की समस्या के बारे में बताया। ग्रामीणों क्षेत्रों के प्रवास पर पहुंचे महामंत्री ने ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से सोलर पंप खराब होने की वजह से उन्हें पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें करीब 400 परिवार इस सोलर पंप द्वारा पेयजल का निर्भर है।
जांजगीर चांपा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने दो अलग अलग जगह छापेमारी की है, दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इनके पास से 17 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार करके आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 2023 को मुलमुला पुलिस को विभिन्न द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुलमुला सबरीटेरा में और गुटरा भवन में कुछ व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री करते हैं, जिस पर आवश्यक तैयारी के साथ रेड कार्रवाई हेतु हमारा स्टाफ के साथ सूचना स्थल पर पहुंचकर मुलमुला डेरा सबरिया से आरोपी सूरज यादव के अधिपत्य से 7 लीटर महुआ निर्मित मदिरा शराब और गुटरा भवन में जाकर आरोपी संत कुमार पटेल के अधिपत्य से 10 लीटर महुआ शराब की विधिवत जब्ती की जाकर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। रायपुर में प्रदेश के 98% कर्मचारियों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम चुने जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजना का भरोसा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट बाद के को सुरक्षित रखने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद की कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोई और आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। सरकार के लाख मनमानी के बावजूद किसानों द्वारा पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बेमेतरा का है, जहां किसानों ने कोर्ट के आदेश के धज्जे उड़ाते हुए पराली जलाई, जिससे कि आसपास के इलाकों में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। आपको बता रहे कि खेतों में धान और गेहूं की फसल कटने के बाद से पराली जा रही है। शिवपुरी में बामौर कला एकीकृत विद्यालय के छत की पट्टियां अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई। 3 अप्रैल को स्कूल का अवकाश होने के कारण उस दिन कोई बच्चा स्कूल नहीं था, इस कारण हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में अभी भी छत की कई पट्टियां टूटी हुई हैं, जो कभी भी टूटकर गिर सकती हैं। खास बात यह है कि ये पट्टियां लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। स्कूल के हेडमास्टर अंबिका त्रिपाठी का कहना है कि ये स्कूल वर्ष 1949 का बना हुआ है, इस कारण छत की पट्टियां लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री के साथ कई नेता और भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दर्शन के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद देने आया हूं और प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल हो जाऊंगा। कथा स्थल से कांग्रेसियों के कटआउट हटाने के लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संत पर कब्जा कोई कैसे कर सकता है, इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिए, बाबा की कृपा प्रदेश में बनी रहे, सुख शांति समृद्धि सभी को मिले, ये प्रार्थना की। अब कथा में जा रहा हूँ। रीवा की नवागत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान ट्रांसफर हुए कलेक्टर मनोज पुष्प भी मौजूद रहे। प्रतिभा पाल उसके पहले इंदौर में पदस्थित थी, वहीं उनकी कार्यशैली के कारण ही इंदौर स्वच्छता में नंबर वन बन गया था। आपको बता दें कि प्रतिभा पाल 2012 बैच के IPS अफसर हैं। उन्हें कुकिंग और कविता लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। वो अब तक कई कविताएं लिख चुकी हैं। इसके अलावा अपने स्वच्छता मॉडल को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उज्जैन में दिनों मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच टीम ने दो महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 किलो चरस बरामद किया है। इसमें से एक महिला आगरा की रहने वाली बताई जा रही है, तो दूसरी उज्जैन डिलीवरी देने जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें मैं भारत। राजनीति की उठापटक हो या फिर क्राइम की दास्तान, खबर चाहे जंगल की हो या जमीन की हो, शहर की हो या संसद की हो, हर मुद्दे पे होगी बहस। गांव से शहर तक, शहर से सदन तक, देश की तमाम बड़ी खबरें लेकर आऊंगी आपके लिए सड़क से सदन तक। कितना बदला प्रदेश।